नमस्कार दोस्तों, हमारे अपनी YouTube चैनल में आपका स्वागत है। दोस्तों, कल एमपी पुलिस ने एक बहुत ही महत्वपूर्ण निर्णय लिया है और एमपी सरकार ने कि जो दोस्तों जो एमपी पुलिस कांस्टेबल के फिजिकल एग्जाम फिजिकल टेस्ट जो चल रहे थे, जिसमें रनिंग थी, गोला फेंकता और दोस्तों लंबी कूद थी, उसको दोस्तों स्थगित कर दिया है, पोस्टपोन कर दिया है। दोस्तों कारण जो बताया गया है वो है भीषण गर्मी, और आप सभी को मालूम है दोस्तों पारा कितना हाई हो रहा है। और मैं आपको बता दूं, एमपी के जबलपुर में एक स्टूडेंट की जो है मौत भी हो गई थी, बाद में दोस्तों एक और स्टूडेंट था शायद उसकी भी मौत हो गई कुछ दिन बाद। तो दौड़ उस स्टूडेंट ने दोस्तों रनिंग क्वालिफाई कर ली थी, रनिंग के बाद में जो है उसकी डेथ हो गई थी। फ्रेंड्स, मैं आपको बता दूं, अब बहुत सारे स्टूडेंट ऐसे हैं जो गर्मी के कारण ही जो है क्वालिफाई नहीं कर पाए थे फिजिकल एग्ज़ाम। हमारे वीडियो में कुछ स्टूडेंटों ने कमेंट किया है कि जो सर पहले स्टूडेंट जिनका हो चुका है फिजिकल, उनका होगा या फिर नहीं होगा। दोस्तों इसके बारे में यदि हम बात करें तो देखिए, ये जो फिजिकल एग्ज़ाम है पोस्टपोन होने का जो कारण है मेनली गर्मी है। यदि इसमें कोई मतलब वैसा टेस्ट रहता, मतलब जो अपन देते हैं पहले जो एग्ज़ाम होता पेपर होता, तो उसमें किसी भी प्रकार उसमें जो पोस्टपोन्ड होते हैं उसमें कुछ टेक्निकल प्रॉब्लम या फिर कहीं पे बाढ़ आना या फिर कहीं पे कुछ अजीब सी स्थिति होना, इस कारण से जो है पोस्टपोन्ड होती है। तो उन स्टूडेंटों को जिनको पहले हो गया उनको तो कोई प्रॉब्लम होती नहीं है, लेकिन जो नए स्टूडेंट हैं उनका होने की जो है स्थिति नहीं है एग्ज़ाम। लेकिन दोस्तों यहाँ पर जो मेन रीज़न है गर्मी है। तो मुझे ऐसा लगता है दोस्तों पर्सनली कि जो स्टूडेंट खास करके फेल हुए हैं फिजिकल में, अब गर्मी के कारण ये एग्ज़ाम पोस्टपोन किया गया है, तो उन स्टूडेंटों को भी मौका दिया जाना चाहिए, खास करके जो फिजिकल एग्ज़ाम में फेल हो गए हैं। हालांकि दोस्तों इसी गर्मी में बहुत सारे स्टूडेंट ऐसे हैं जिन्होंने एग्ज़ाम क्वालिफाई किया है, लेकिन जब एग्ज़ाम पोस्टपोन हुआ है तो दोस्तों जो स्टूडेंट फेल हुए हैं उनको मौका दिया जाना चाहिए, मुझे ऐसा पर्सनली लगता है। आपको क्या लगता है दोस्तों, क्या आपका भी फिजिकल एग्ज़ाम था तो आप क्वालिफाई हुए या फिर नहीं हुए?